हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर। इसमें आपका वेलकम है। और आपने जो वीडियो देखा होगा, इस तरीके का वीडियो आप कैसे बनाएं, कैसे एडिट करें, तो दोस्तों आप जो है ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक जरूर किया करें। इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक का टारगेट है दोस्तों, 500 लाइक करने हैं आपको, फटाफट ये टारगेट पूरा कराना है आपको। दूसरा, आप वीडियो में कमेंट किया करें। वीडियो में जब आप कमेंट करते हैं तो मैं जब भी फ्री होता हूँ आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ, और जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको पूरी कोशिश करता हूँ मैं किसी भी प्रकार से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम। बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं, क्योंकि चैनल डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, बहुत सारे लोग वहां से मुझे कॉल भी करते हैं डायरेक्ट, तो मैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि मैंने उनकी प्रॉब्लम पे समाधान किया है या नहीं किया। तो दोस्तों कहूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होता है कि मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़बरदस्त है। बताने से पहले, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो जब आप शूट किया करें तो आपका फ़ोन जो है ट्राईपोड पे या फिर आपका फ़ोन एक जगह स्टेबल रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका वीडियो इधर से उधर हिलता नहीं है, और आप कैमरे की जो है स्क्रीन लॉक करके वीडियो को शूट किया करें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास कैमरे में स्क्रीन लॉक करने का ऑप्शन नहीं है तो आप ओपन कैमरा के नाम उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उससे आप वीडियो को शूट किया करें। मैंने जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये ओपन कैमरे से ही मैं वीडियो को शूट करता हूँ। सबसे पहली बात बता दूं, यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि आप अपना चैनल नई जीमेल के साथ बनाया करो। जब भी आपको काम करना है, यूट्यूब 6 महीना पुराना जीमेल को रेफर करना छोड़ देता है, उसको इग्नोर करता है। आप जब भी चैनल पे काम करें तो न्यू जीमेल के साथ न्यू चैनल बना के काम किया करें। दूसरी बात, आप ट्रेंडिंग वीडियो पे आप वीडियो बनाएं, जो भी वीडियो ट्रेंडिंग चल रहा है आप उस ट्रेंडिंग के हिसाब से वीडियो को बनाएं। आप VFX बनाएं तो VFX में इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में वीडियो लॉन्ग गर्दन वाली या फिर गर्दन कटिंग वाली, इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो जो वीडियो को आज मैं ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस तरीके का चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो होता है। आप इस तरीके का वीडियो अपने चैनल पे बना के डालें, 101% आपका चैनल ग्रो होगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको वीडियो को शूट कैसे करना है। तो अब आप देखिए स्क्रीन पे कि वीडियो को आपसे शूट कैसे करना है। दोस्तों आपको इस तरीके से वीडियो को शूट कर लेना है। सबसे पहले आपको एक स्टूल यहाँ पे रख दिया है, तो मैंने इस स्टूल को मैंने यहाँ रख दिया है। अब मैं इस पे यहाँ पे पहले ये वाला एक्ट कर लेता हूँ, गर्दन वाला। तो ये मेरा गर्दन वाला एक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ से स्टूल को लेके यहाँ से बाहर चले जाना है। अब जैसे दूसरा वाला रोल है तो मुझे फट से जाना है इस टाइप से, यहाँ पे पीछे को आना है इस टाइप से, और यहाँ से ऐसे देखते हुए आना है। से आपको कुछ एक्टिंग कर लेनी है, एक्टिंग करने वाला आपको फ्रेम से बाहर हो जाना है, और यहाँ का बैकग्राउंड भी आपको लेना है, खाली बैकग्राउंड भी आपको लेना है। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपको वीडियो को शूट कर लेना है बिल्कुल, और इसको अब हम करते हैं एडिटिंग। हम चलते हैं सीधे काइन मास्टर में, अब करते हैं अपना काइन मास्टर ओपन, और यहाँ पे करेंगे क्रिएट, क्रिएट नाउ पे 9:16 पे क्लिक करके अब यहाँ पे हम अपना वीडियो को लेके आ जाते हैं। तो हमारा ये वीडियो आ गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है, तो वो हमें कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होगा, तो हम यहाँ से आगे का जो है ट्रिम लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट करने के बाद में अब हमें इसका वीडियो का क्वालिटी थोड़ा चेंज करना है, यानी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसको हल्का हल्का एडजस्ट करेंगे स्टेप से, ठीक है। स्टेप से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लेके आते हैं बादल वाला, जो हमने बादल, क्योंकि बादल से क्या होता है कि हमारे वीडियो का जो है लुक अच्छा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। तो ये हम जो है बादल वाला लेके आए, तो ये वाला बादल हम क्या करेंगे, इसको पहले क्रॉप कर देंगे। बादल ये हमने क्रॉप कर लिया, और इसको करेंगे हम स्टेप से बड़ा, ठीक है। स्टेप से हम इसको बड़ा करके जहाँ से हमारा बादल दिखाई दे रहा है वहाँ तक सेट करेंगे, और हम चलेंगे यहाँ पर ब्लेंडिंग में, और यहाँ पर करेंगे हम मल्टीप्ले। मल्टीप्ले करने के बाद इसकी थोड़ी हम स्टेप से कम कर लेंगे। इस टाइप से कम करने के बाद अब हम चलेंगे कहाँ, यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है, इसको इनेबल यानी कि ऑन करना है, और इसको इस टाइप से आपको कर देना है, आगे बढ़ा देना है। और उसके बाद अब आपको एडजस्टमेंट में जाना है,
जिसको हल्का हल्का हम स्टेप से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद अब देखिए हमारा ये बैकग्राउंड पीछे जा चुका है, अब हमें इसकी लेंथ करनी है वीडियो के अंदर, ठीक है। ये हमने करने के बाद अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर लेना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा कहाँ से होगा देखते हैं। अब ये देखिए, ये हमने जैसे हाथ ऊपर किया तो यहाँ पे हमारा लास्ट हो गया वीडियो। इसको हम करेंगे स्प्लिट, कैंची में जाके स्प्लिट कर दिया और आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ से ये आपका एक्ट यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रिम, लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है। ये लेफ़्ट वाला हिस्सा कट हो गया और यहाँ पे अब हम देखेंगे जहाँ तक हमने, और ये हमने यहाँ पे लाइक किया, लाइक करने के यहाँ पे हम करेंगे ट्रिम तो स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद अब यहाँ पे फ्रेम से बाहर हो गए, यहाँ देखिए स्टेप से आप बाहर हो गए। तो यहाँ से हम करेंगे ट्रिम, जा कैंची में जाके इसको कर देंगे ट्रिम लेफ़्ट। करने के बाद अब देखिए ये हमारा खाली बैकग्राउंड रह गया, अब ये बादल वाला एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हम ट्रिम राइट कर देंगे। इस स्टेप से करने के बाद अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक बार सेव कर लेना है। ये हमारा कटिंग का काम हो गया, यहाँ से एक बार आपको सेव कर लेना है। फिर से न्यू क्रिएट पे जाके 9:16 पे क्लिक करके जो आपने अभी सेव किया वो वाला आप कैप्चर यहाँ पे लेके आ जाएंगे। हमने करना क्या है, जहाँ से देखिए ये हमारा खाली बैकग्राउंड यहाँ से शुरू होगा, ये देखिए हमने, और ये देखिए हम यहाँ से हट गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैची में जाके इसको कर लेंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद आगे वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और ऊपर वाली लेयर को हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया। अब ऊपर वाली जो हमारा खाली बैकग्राउंड है इस पर करेंगे क्लिक, इसकी स्पीड जो हम कर देंगे कम, यानी कि इस तरीके से हम कर लेंगे जिससे कि हमारा ये वीडियो से, यानी हमारी वीडियो से आगे निकल जाए। तो हमने इसे कर लिया, अब इस पर हम करेंगे क्लिक, इसको करेंगे फुल फ्रेम, ठीक है। ये हमारा फुल फ्रेम हो गया है। अब फुल फ्रेम होने के बाद हमें यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ से हमारा एक्ट यहाँ ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट करना है इसको स्प्लिट, और इस वाली आगे वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे स्टेप से और यहाँ जाएंगे क्रॉपिंग में और इसको स्टेप से क्रॉप कर लेना है। यह आपने यहाँ से इसे को क्रॉप कर लेना है, यह आपने क्रॉप कर लिया। इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आगे वाला जो आपने वीडियो कट किया है सेकंड पार्ट, तो इसको आप लेके आ जाएंगे वीडियो के शुरू में। हम इसको वीडियो के शुरू में लेके आ गए, देखिए स्टेप से हमारा आ गया है, डबल रोल का सीन हो गया ये। अब हमें करना क्या है, देखिए अब आगे आना है, अब आपने देखना है ये आपका जहाँ से हाथ आपने चलाने शुरू किए गर्दन ऊपर की, तो यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करके इसको कर लेना है स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आपको लेना है कैप्चर, यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपकी गैलरी में कैप्चर सेव हो। अब आपने करना क्या है, इस वाली वीडियो पे क्लिक करना है और फिर से आपको क्रॉपिंग में जाना है और इसको गर्दन क्रॉप कर देना है इसकी, इस टाइप से क्रॉप कर दिया। अब देखिए ये आपका वीडियो इस तरीके से हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपको यहाँ से चलना है, आप चलना है आपको बैकग्राउंड इरेजर में, आपको बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको लोड एंड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अभी आपने कैप्चर लिया है इसको यहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको आपको इस तरीके से मैनुअल तरीके से सारा रिमूव कर देना है, केवल यहाँ से आपको गर्दन निकालनी है, ठीक है। अब ये हमने इतनी गर्दन यहाँ से ऐसे निकाल लेनी है, ये हमारी गर्दन यहाँ से निकल गई है, इसको हमें कर लेना है डन। डन करके यहाँ से कर लेना है, आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको चलना है कहाँ, एक एप्लीकेशन और ज़रूरत पड़ेगी आपको जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो पिक्सआर्ट में जाना है आपको, यहाँ पे आपको गैलरी में जाना है, एडिट फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने अभी गर्दन को कट किया है वो गर्दन आपको यहाँ पे लेके आ जानी है। तो ये हमारी गर्दन यहाँ पे आ गई है। तो अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, स्ट्रीच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको हल्के से बड़ा करना है और गर्दन को उंगली की मदद से स्टेप से बड़ा करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इस टाइप से आपको उंगली की मदद से ऐसे बड़ी करते हुए जानी है गर्दन। तो मैं इसको फाइनली करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमने इस टाइप से देखो गर्दन को कर लिया है लंबा, इस टाइप से आपको उंगली की मदद से लंबा कर लेना है और यहाँ पे आपको ये तीर का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड PNG पे क्लिक कर देना है, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद में अब आपको चलना है सीधे काइनमास्टर में। देखिए यहाँ पे हम काइनमास्टर में आ गए हैं और यहाँ पे हम अब गर्दन को लेके आते हैं, लेयर में जाते हैं और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे
और पिक्सार्ट में जो आपने किया वाली गर्दन आपको यहाँ से ले आनी है, ठीक है। इस गर्दन को आपको फुल फ्रेम कर लेना है स्टेप से, चाबी पे क्लिक करना है स्टेप से और हल्का सा आगे बढ़ना है, प्लस करना है और गर्दन को स्टेप से ऊपर करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर प्लस करना है, फिर गर्दन को ऊपर करना है, स्टेप से बढ़ाते हुए जाइए और फिर आपको आगे बढ़ के फिर प्लस प्लस करके फिर आपको गर्दन को स्टेप से बढ़ाना है और फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर प्लस करना है, फिर गर्दन को ऊपर बढ़ा देना है स्टेप से और फिर आगे बढ़ना है थोड़ा सा, यहाँ पे आके इसको प्लस करना है और गर्दन को यहाँ से कर देना है आपको फुल, ठीक है। ये आपने काम कर लेना, आगे थोड़ा आपको गर्दन वाला एक्स्ट्रा छोड़ के रखना है। वो क्यों छोड़ के रखना है उसके लिए चलो अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो अब हम चलते हैं फिर से कहाँ, पिक्सार्ट में। तो हम दोबारा से गर्दन को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे एक हमें छोटी गर्दन निकालनी है, तो फिर से हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और स्ट्रीच पे क्लिक करेंगे और इसकी गर्दन को हम छोटी बना लेंगे। तो चलिए इसको भी मैं फटाफट करके बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए इस स्टेप से हमने एक छोटी गर्दन को बना लेनी है, बनाने के बाद इसको भी हमें तीर पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव एंड PNG पे क्लिक कर देना है। PNG पे ही आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर से आ जाना है आपको काइन मास्टर में। अब देखिए जहाँ तक आपने ये लास्ट वाली की लगाई है यहाँ से हल्का सा आगे बढ़ना है थोड़ा सा और आपको यहाँ से जाना है फिर से लेयर में और जो आपने अभी छोटी गर्दन निकाली उसको लेके आ जाना है। तो हम यहाँ पे ये छोटी वाली गर्दन लेके आ गए हैं, तो इसका साइज हमें इसके बराबर रखना है पहली वाली गर्दन के, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज जो है इतना कर देंगे, ठीक है। ये हमारा होने के बाद इसको हमें करना क्या है, फुल फ्रेम कर लेना है स्टेप से। ये हमारा फुल फ्रेम हो गया, तो इसको लेके जाना है स्टेप से ऊपर और यहाँ मैच कर देना है। अब यहाँ पे आपको चाबी लगानी है, तो आपको चाबी पे क्लिक करना है और एंड में आना है। इसको पहले एक बार स्टेप से इसको नीचे करना है और इसको ऐसे घुमा देना है और यहाँ पे आपको इसे सेट करना है। यहाँ पे सेट करने के बाद में सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे कैप्चर, तो कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। मैंने इसको कर रखा है, इसको यहाँ पे कैप्चर लेने के बाद अब आपको इस पे क्लिक करना है फिर से चाबी पे और इसको पहले की इसकी माइनस करनी है और दोबारा से की लगानी है और फिर नीचे लेके आना है इसको और फिर स्टेप से आपको पूरा घुमा देना है स्टेप से, ठीक है। घुमाने के बाद में आपको यहाँ पे लेके आना है स्टेप से, फिर आगे बढ़ना है यहाँ पे और यहाँ पे अब आपको इससे मैच करना है। इसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, प्लस करेंगे यहाँ और इसको यहाँ पे स्टेप से मैच करते रहेंगे। तो स्टेप पे हमें खिल केवल की लगानी है, मैच करते हुए आना है बस और कुछ नहीं। हल्के से आगे बढ़ते जाओ, की लगाते जाओ और ऐसे मैच करते जाओ, ठीक है, ऐसे मैच करते जाओ, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमें सेकंड इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके इसको कर लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपने करना क्या, सबसे पहले इसकी की ख़त्म करनी, की पे जाना है और इसके एंड में आना है, माइनस करते हुए जानी है इसकी सारी की स्टेप से। की ख़त्म करने के बाद में फिर से आपको इसके एंड में आना है, प्लस करना है और इसको नीचे ले आना है स्टेप से और इसको स्टेप से घुमा देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको सेट करना है और इसके आपको आना है बीच में, यहाँ बीच में आना है और यहाँ पे आपको इसको ऐसे सेट करना है, फिर हल्का सा आगे बढ़ना है, प्लस करना है और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाना है। आपको कोई भी आपका वीडियो देखे तो उसको लगे कि हाँ एक ही गर्दन में से सारी गर्दन निकल रही है, तो आपको फिर से ये वाला काम होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको आपको फिर से एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसकी भी की ख़त्म करनी है फटाफट। ये हमने इसकी की ख़त्म कर ली, अब इसके एंड में आना है, प्लस करना है और इसको नीचे लाना है स्टेप से ऐसे और इसको आपको इस साइड से घुमा देना है ऐसे। घुमाने के बाद आपको यहाँ इस स्टेप से कर देना है। करने के बाद अब आपको इसमें शुरू में आना है, प्लस करना है और इसको ऐसे सेट करते हुए आना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर लेंगे, स्टेप से आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे और इसको मिला देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है। ये वाला भी काम हमारा हो गया। अब ये होने के बाद आपको ले लेना है यहाँ पे एक कैप्चर। अब फटाफट हमें चलना है, सबसे पहले आपको चलना है क्रोम में, यहाँ पे सर्च करना है रिमूव BG, ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का आपको साइड खुलेगा और यहाँ पर अपलोड इमेज करना है और दोनों इमेज यहाँ पर फटाफट ला के
उनका बैकग्राउंड रिमूव, हम इसको स्टेप से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रिमूव आराम से आपका हो जाए। तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव हो गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सीधे से तीर वाला निशान मिलेगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर देना है। अब बैकग्राउंड रेजर में आएंगे, लोड एंड फोटो पे क्लिक करेंगे, और जैसे मान लीजिए हमने ये अभी बैकग्राउंड रिमूव किया है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको फुल करेंगे और यहाँ पर सब डिलीट करेंगे। हमें केवल यहाँ से गर्दन का ही ये चक्री को ही हमें यहाँ से निकालना है स्टेप से, ठीक है। और इसको हम डन करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में नेक्स्ट वाला लेके आएंगे, ये वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम डन करेंगे और इसको भी हम यहाँ से फटाफट यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रह गया है तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे अपने हाथों की मैनुअल तरीके से। यहाँ पे हमें यहाँ से इतना निकालना है, ठीक। इसको निकालने के बाद फटाक से इसको भी यहाँ पे डन करके सेव कर लेंगे। दोबारा से पिक्सार्ट में चलते हैं, ठीक है। पिक्सार्ट में आने के बाद में जो हमने अभी चक्री जो गर्दन निकाली है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर, ये गर्दन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने बाद में इसमें हमने करना क्या है, इसको हमें क्रॉप करना है इस टाइप से। यहाँ पे क्रॉप वाले टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर वाला आपको करना है, तभी आपका ये चक्री बनेगा। और आपको उंगली की मदद से इसको पूरा बराबर कर देना है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपको बराबर करने के बाद में पूरा इसके चारों तरफ आपका पूरा मैच होना चाहिए। उसके बाद आपको तीर वाले ऑप्शन पे जाके इसको भी सेव कर लेना है पीएनजी में। तो अब हम चलते हैं सीधे काइनमा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब सबसे पहले हमें लेयर में जाके नीचे वाला लेके आएंगे गर्दन वाला, और इसको करेंगे हम फुल फ्रेम। इस टाइप से हमें फुल फ्रेम कर लेना है, मैच कर लेना है। और सेकंड हम लेके आएंगे अब यहाँ पे लेयर में जाके गर्दन यानी जो चक्री वाली है, तो हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ये दोनों चीज़ हमारी आ गई। अब इसको हमें बड़ा करके यहाँ पे मिला लेना है दोनों को, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ओवरऑल का एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाके नीचे आपको देखो चक्र व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे चक्र बन के घूमने लगेगा, ठीक है। अब ये हमारी चक्री बन गई है। तो अब हमें करना है जो हमने अभी दोनों लेके आए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चक्री पे हम क्लिक कर इसके बीच में आएंगे हम। यहाँ पे बीच में आने के बाद चाबी पे क्लिक करेंगे, प्लस कर देंगे और हल्का आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे और गर्दन को स्टेप से ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा और प्लस करेंगे आगे बढ़ के और इसको और ऊपर लेके जाएंगे, स्टेप से यहाँ रोकेंगे और लास्ट में इसकी की लगाएंगे, बिल्कुल इसको ऊपर कर देंगे, ठीक। इसको करने के बाद में अब आपने जहाँ से इस पर की लगाई है वैसी सेम की उसी से मिला के आपको अपनी उसमें की लगानी है, प्लस करना है यहाँ पे। अब सेकंड की देखिए कहाँ पे लगी, यहाँ पे मैच करना है, सेकंड की हमारी यहाँ लगी तो यहीं पे आपको लाना है और ऊपर वाली पे यहाँ पे चाबी पे क्लिक करके प्लस करना है और इसको इस टाइप से आपको कर देना है। फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर इसमें देखना है नीचे वाली में आपकी नेक्स्ट की कहाँ लगी है, यहाँ लगी है तो हम फिर से ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चाबी पर क्लिक करेंगे और इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हम लास्ट में आएंगे, चाबी पे क्लिक करेंगे और इसको स्टेप से हम उड़ा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा देखिए प्ले करके देखेंगे तो हमारा मैच हो गया, ठीक है। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, ये हमारा काम हो गया। अब जैसे आपने डस्ट वाला है तो डस्ट वाला अब आपको ले आना है, डस्ट वाला आपको नहीं मिले तो मुझे वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूँगा। ये हमारा डस्ट वाला, इसको हम क्या करेंगे, पहले ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको करेंगे हम स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद में इसकी स्पीड कर देंगे हम, इसकी स्पीड कर देंगे हम 3, ठीक है। इसकी स्पीड हम 3 कर देंगे और इसको हम बड़ा करेंगे स्टेप से और यहाँ पे लाके नीचे रखेंगे। अब एक बार इसको देखेंगे ये कहाँ पे हमारा, ये देखिए हमारा ज़्यादा नीचे हो गया है तो हम इसको थोड़ा आगे करेंगे, यहाँ पे इसको मिला लेंगे। अब देखिए हम इसको एक बार प्ले करके, ठीक है, ये हमारा मैच हो गया स्टेप से। अब जो है एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कर देंगे कट, यहाँ से ट्रिम राइट कर देंगे। तो अब आपको जाना है लेयर में और हमने जो म्यूजिक यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं वो म्यूजिक हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे फटाफट। अब देखिए दोस्तों मैंने ये सारे म्यूजिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम इस म्यूजिक को लेके आते हैं और इसका हम निकालते हैं ऑडियो, यानी एक्स्ट्रा ऑडियो में जाएंगे तो इसका ऑडियो निकल जाएगा।
और इसको कर देंगे हम यहाँ से डिलीट। अब प्ले करके देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे चटर पटर का आवाज़ आ रहा था गर्दन का, वो वाला म्यूजिक लेके आएंगे फटाक से। तो हम ये वाला भी लेके आ जाते हैं, ये हमारा, इसका भी हम एक्स्ट्रा ऑडियो में जाएंगे, इसका म्यूजिक निकल जाएगा। इसको करेंगे डिलीट। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा जो है हेलीकॉप्टर वाला आएगा म्यूजिक। तो यहाँ पे हम जाएंगे लेयर में, अब हेलीकॉप्टर वाला ले आएंगे और इसको हम करेंगे फटाफट, इसका भी म्यूजिक निकालेंगे, एक्स्ट्रा कार्डियो में जाएंगे और इसको कर देंगे डिलीट। अब देखिए, अब देखिए इसको हमें मैच करना है, तो जहाँ से हमारा चक्री चालू हुआ वहाँ से हम इसको चालू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फाइनली वीडियो हमारा बनके रेडी हो गया है, एक्स्ट्रा पार्ट इसका कट कर देंगे जितना भी है। फाइनली दोस्तों ये वीडियो बनके रेडी हो गया है, इस स्टेप से आपको वीडियो को एडिट करना है। अब देखिए आपका ये डबल रोल में वीडियो आपका बनके रेडी होगा। आई होप दोस्तों आपका वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।